Assalamu alaikum dear students. In the last lecture we discussed about international system of units, also base units and derived units. The next topic is prefixes, but I want to discuss scientific notation before prefixes. डिस्कस करते हैं साइंटिफिक नोटेशन को प्रीफिक्सेस से पहले, क्योंकि मैं समझता हूँ कि प्रीफिक्सेस से पहले आपको साइंटिफिक नोटेशन का पता होना चाहिए. तो डिस्कस करते हैं वैसे साइंटिफिक साइंटिफिक नोटेशन. इसको हम डिफाइन कुछ यूं करते हैं कि expressing any number into some power of 10 के power के form में इसको express करते हैं किसी भी number को, and multiplied by a number in between 1 to 10. अब इसके इस डिफिनेशन का मतलब क्या है ये भी आपको समझाता हूँ. डेली लाइफ में हमारे पास बाद ऐसी कैलकुलेशन होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती हैं या बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर होता है हमारे पास. तो इन दैट केस उस नंबर को लिखना हमारे लिए बार बार, या उस सेम नंबर को हमारे पास लेंथी नंबर को लिखना मुश्किल हो जाता है. सो हम क्या करते हैं, उसको 10 के पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं. क्यों 10 के पावर के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हमारे लिए इजी रहता है इसको नोट करना, इसको लिखना हमारे लिए बहुत सिंपल होता है. इसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, इस एग्ज़ाम्पल से आपको ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा. अब फॉर एग्ज़ाम्पल मून की बात करते हैं, क्या चीज़ हमारे पास है, मून. मून का डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सरफेस वो कितना है, हमारे पास है 384, साथ में आपके पास यहाँ पे 60 जैसा. सो इतने मीटर्स अवे है मून फ्रॉम अर्थ सरफेस. तो मैं जनरली अगर ये नंबर लिखूंगा तो देखिए काफ़ी बड़ा नंबर है, इसको मैं सिंपल ऐसे लिख सकता हूँ 3.84 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर. तो देखें ये वाला हमारे पास एक सिंपल सा शॉर्ट सा फॉर्म है बजाय इसके, और इसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं. कैसे कहते हैं, या ये हमने कैसे निकालना ये चीज़, इस नंबर को मैंने इस फॉर्म में कैसे लिख लिया, ये भी आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ अभी. सबसे पहले तो ये जो डिफिनेशन है इसको देख लेते हैं. एक्सप्रेसिंग एनी नंबर इनटू सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर इन बिटवीन 1 to 10. तो ये हमारे पास नंबर था, इसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, 10 के पावर के फॉर्म में लिख दिया. साथ में एक हमारे पास दूसरा नंबर भी है जो कि इसके 10 के पावर से मल्टीप्लाइड है, लेकिन ये नंबर क्या है, बिटवीन है 1 to 10. ये देखिए 3.84, मतलब ये नंबर 3 और 4 के बीच में है. जो नंबर होगा इसके साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में, ये 1 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर हो सकता है. और यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है 3.84 जो कि 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है. तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप इसके डिफिनेशन पे समझ गए हैं कि डिफिनेशन जो इसका है साइंटिफिक नोटेशन का, उसका एक्चुअली मतलब क्या है. लेकिन यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि आप क्वेश्चन में अक्सर ये आता है कि कोई नंबर आपको गिवन होगा और आपसे ये कहा जाएगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें साइंटिफिक नोटेशन के. तो वो ये स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि आप एक ज़ीरो है ना हमारे पास, ये देखिए सारे ज़ीरोज़ हैं, और नॉन ज़ीरो कौन सा है, वो नंबर जो ज़ीरो नहीं होगा वो नॉन ज़ीरो होगा. तो ये हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर, ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है. लेकिन आपने देखना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद ये पॉइंट, डेसिमल पॉइंट लगाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद. जब आप
एक्चुअली आपके पास कोई भी नंबर होता है, जिस तरह आपके पास ये नंबर है, अगर आपके पास पॉइंट गिवन नहीं है ये डेसिमल पॉइंट, तो वो इसके एंड में होगा बिल्कुल। फॉर एग्जांपल मैं 384 लिखता हूँ, पॉइंट मेंशन नहीं करता हूँ, तो या जो डेसिमल पॉइंट है वो एंड में होगा इसके, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसके एंड में बिल्कुल डेसिमल पॉइंट है, उसको मैं शिफ्ट करूँगा यहाँ पे, तो मैं इसको 3.84 लिखूँगा। तो जो डेसिमल पॉइंट है वो मैंने प्लेस किया फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, तो इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 384 × 10^6 मीटर, लेकिन ये जो हमारे पास है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन में जब भी आपके पास आ जाए कि कोई एक नंबर आपको गिवन हो, इसको स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना है आपने, तो आपने हमेशा क्या करना होगा, जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर हो उसके बाद आपने डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है। और बाकी इसके जो रूल है, ये पॉइंट कितना, ये पावर कितना आएगा हमारे पास, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन फिर आप इतने समझ लें कि स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आपने ये डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है। स्टूडेंट तो अब ये तो क्लियर है कि आपको क्वेश्चन आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है किसी भी नंबर को, तो आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद पॉइंट प्लेस करना है, डेसिमल पॉइंट। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि साइंटिफिक नोटेशन हम यूज़ क्यों करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन का फंक्शन क्या है हमारे पास, क्या पर्पज़ है इसका, तो स्टूडेंट आपको लेक्चर के शुरू में मैंने बता दिया कि साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास कोई भी बहुत बड़ा नंबर हो या बहुत छोटा नंबर हो, उसको हम सिंपल 10^10 फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि हमारे लिए लिखना बहुत इजी रहता है। तो आपने ये इसका आंसर लिख देना है। तो अब स्टूडेंट आपको इस नंबर को मैंने इस फॉर्म में कैसे लिख दिया, अब आपको मैं ये सिखाऊँगा। स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखते हैं, तो आपको मैंने कहा कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आपने डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है। तो देखिए पॉइंट मेरे पास यहाँ पे है, मैंने कहा जब पॉइंट गिवन ना हो तो एंड में होगा बिल्कुल। पॉइंट यहाँ पे है तो मैंने पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा मैं कितने नंबर शिफ्ट करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैंने कितने नंबर शिफ्ट पॉइंट को शिफ्ट किया, डेसिमल पॉइंट को 8 नंबर। तो मैं सिंपल क्या लिख लूँगा, ये 3.8 मतलब 3 के बाद डेसिमल पॉइंट लिख दूँगा, साथ में ये नॉन ज़ीरो नंबर है वो लिख दूँगा। अब ये जो ज़ीरोज़ हैं अगर आप लिखते हैं तब भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तब भी ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम इसको नहीं लिखते। मल्टीप्लाई जितने नंबर आपने क्रॉस किए, 1, 2, 3, 8 हमने डिजिट शिफ्ट किए, 8 पॉइंट इस डेसिमल पॉइंट को हमने 8 नंबर शिफ्ट किया यहाँ से यहाँ तक, तो मैं पावर भी 8 लिख दूँगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये पावर देखें, अगर इसके साथ प्लस माइनस कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब यहाँ पे इसके साथ प्लस है, लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन ये होगा अब कि इसके साथ प्लस क्यों है माइनस क्यों नहीं है, तो उसका रीज़न भी आपको भी बता देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जब भी नंबर हो और आपने डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना है, अगर आप डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करते हैं टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ़्ट की तरफ आप शिफ्ट करते हैं तो पावर पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ पावर पॉजिटिव। और एक और एग्जांपल देता हूँ, तो उस केस में आपके पास जो पावर होगा वो नेगेटिव आएगा, उस केस में हम पावर जो डेसिमल पॉइंट है उसको शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स राइट। एग्जांपल हमारे पास अब एक नंबर है, क्वांटिटी है 0.00000015 ग्राम, हमारे पास ये इस तरह का कोई नंबर है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन क्या था, क्या पढ़ा था हमने, कि डेसिमल पॉइंट को हमने प्लेस करना है आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर। तो फर्स्ट ये भी ज़ीरो, ये भी कोई, ये भी सारे के सारे ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पर कहीं भी हम इसको प्लेस नहीं कर सकते। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर हमारे पास ये 1 आ रहा है, तो इसके बाद हमने पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो मैं क्या लिखूँगा, इसको पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करूँगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिंपल, जो लेफ़्ट साइड पे 0 आएंगे वो मीनिंगलेस हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1.5 लिख दूँगा। और नंबर मैंने कितने शिफ्ट किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर्स मैंने, 9 डिजिट मैंने पॉइंट डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किया, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 10^9 लिख दूँगा। लेकिन हम देखें यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे था, तो मैंने राइट की तरफ शिफ्ट किया है,
इस केस में मेरे पास पावर क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब आप राइट की तरफ पावर डिसिमल पॉइंट शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो इन दैट केस पावर पॉजिटिव, और जब आप राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं एक नंबर डिसिमल पॉइंट को, तो पावर आएगा नेगेटिव। एक तो ये तरीका इसको याद रखने का, एक दूसरा सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ, वो क्या है। अब देखें, ये जो 3 पॉइंट, ये जो नंबर ये है, ये वाला 3.8, सॉरी इसको मैं फुल लिख लेता हूँ, 384000 मीटर। मैं इसको लेकर आऊँ 3.84 मल्टीप्लाई 10^8 लिख रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये तो मुझे पता चल गया कि मैंने डिजिट कितने शिफ्ट किए हैं, वो 8 शिफ्ट किए हैं, तो मुझे ये पता चल कि पावर 8 है, पॉजिटिव है या नेगेटिव ये मुझे नहीं पता। तो इन दैट केस अब आप खुद सोच लें, ये नंबर बड़ा है या ये वाला नंबर बड़ा है। तो अगर आप एक बड़े नंबर को छोटे नंबर में शिफ्ट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स एक नंबर खुद ब खुद छोटा नहीं होता, इसके साथ आप फिर पावर पॉजिटिव लगाएंगे। अगर बड़े नंबर को आप छोटा कर रहे हैं तो पावर पॉजिटिव आएगा, और अगर इसी तरह ये जो एक छोटा नंबर है इसको आप देखें, यहाँ पे एक 0.00001 ग्राम है, इसको आपने बड़ा करके 1.5 डायरेक्ट लिख दिया, तो ऑफ कोर्स ये नंबर छोटा है, छोटे को आपने बड़ा नंबर लिख दिया। जब आप छोटे नंबर को बड़ा करके लिखते हैं तो पावर इन दैट केस आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। रिमेंबर स्टूडेंट ऑलवेज, ये आपके लिए बहुत इजी है याद रखना कि अगर आपके पास एक छोटा नंबर है आप उसको बड़ा कर रहे हैं तो पावर नेगेटिव आएगा, अगर एक बड़ा नंबर है इसको छोटा कर रहे हैं तो पावर क्या आएगा उसका, पॉजिटिव आएगा। अगर आप लेफ्ट राइट में कन्फ्यूज़ होते हैं, इसी तरह आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आप मास ऑफ अर्थ देख लें, वो इतना है कि 6 और साथ में 27 ज़ीरोज़ हैं, इस तरह आप जाएंगे 27 ज़ीरोज़ आप पुट करेंगे तब जाके आपके पास आएगा ग्राम, आप लेकेंगे 20 इतने ग्राम उसका क्या है, मास ऑफ अर्थ है। तो इतने बड़े नंबर को आप कैसे लिख सकेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, बहुत मुश्किल है इस तरह के नंबर को लिखना। लेकिन आप साइंटिफिक नोटेशन में आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 × 10^27 ग्राम। ठीक है, तो ये नंबर शॉर्ट सा है या सिंपल सा है, या ये जो इतना बड़े है तो मैंने फुल लिखा नहीं, सिर्फ 5 ज़ीरोज़ लिखे हैं, आपने इसके साथ 27 ज़ीरोज़ लगाने हैं, तो वो नंबर बहुत लेंथी हो जाएगा, इसकी बजाय हम ये सिंपली और कट ये नंबर लिख सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल अबाउट साइंटिफिक नोटेशन। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट प्रीफिक्सेस, सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।